रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम नंबर क्या होता है, उसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे जनरेट करते हैं। यहाँ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनको हम वन बाई वन देख लेते हैं। तो पहले है रैंडम नंबर जनरेशन। रैंडम नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जिसका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब एक अपना जो भी नंबर्स लिखा जा रहा है वो पहले हमने कुछ नंबर्स लिख दिए, उन पर डिपेंडेंट आगे वाला नंबर नहीं होता, उसको हम रैंडम नंबर कहते हैं। किसी भी मशीन में रियल में रैंडम नंबर जनरेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम इस तरह से रैंडम नंबर जनरेट करते हैं कि हमें प्रोसेस नहीं पता होती, तो हमारे लिए वो रैंडम होते हैं। तो यहाँ पर एक पहला एग्जांपल लिया है जिसमें यहाँ रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो हमको इंक्लूड करनी होगी, वह stdlib.h। अब रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हमने दो इंटीजर लिए आई और जे, डिक्लेयर किया, आई काउंटर है तो काउंटिंग के लिए हम 10 रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं। जे इज इक्वल्स टू हमने लिखा रैंड और पैरेंथेसिस, तो जे इक्वल टू रैंड और पैरेंथेसिस लिख दिया, तो ये रैंड नाम की किसी फंक्शन को कॉल करेगा, कॉल कर रहा है। ये रैंड फंक्शन है, ये stdlib.h के अंदर डिफाइंड है। stdlib.h के अंदर रैंड फंक्शन की कोई वैल्यू ये फंक्शन देगा, वो वैल्यू जे को असाइन हो जाएगी, हम जे को प्रिंट कर रहे हैं। इस तरह से 10 नंबर प्रिंट करेंगे जो रैंड फंक्शन से हमें मिलेंगे। और उसके बाद में इस तरह से यहाँ रैंड फंक्शन से हम ये भी समझ सकते हैं, ये ऐसा फंक्शन है जिसकी इनपुट में कोई पैरामीटर नहीं है, लेकिन ये रिटर्न करेगा वो इंटीजर होगा, इंटीजर नंबर ये रिटर्न करता है। लास्ट में हमने एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखा है जो रैंड अंडरस्कोर मैक्स को प्रिंट करेगा। अब रैंड अंडरस्कोर मैक्स क्या है, ये भी हमने यहाँ डिक्लेयर नहीं किया, ये भी stdlib.h के अंदर डिफाइंड एक करेक्टर सेट है, और इसकी वैल्यू अपना कंप्यूटर उस डाटा टाइप में कितने इंटीजर का कितने बिट काम में ले रहा है उससे डिसाइड होती है। जैसे इंटीजर में हमारे यहाँ 32 बिट काम में ली जा रही हैं, तो रैंड मैक्स की वैल्यू 2^31 2^31 कैलकुलेट करेंगे, 2^31 पावर कैलकुलेट करेंगे, उसमें से एक घटा देंगे, वो रैंड मैक्स की वैल्यू होगी। हम ये एग्जांपल कंपाइल रन करके देख लेते हैं। ये वही फंक्शन है जिसमें एक कमेंट है रैंड नंबर जनरेशन, stdlib.h को इंक्लूड किया, stdlib.h को इंक्लूड किया, आई और जे को डिक्लेयर किया, आई पे लूप लगाया, रखा कि काउंटर है, जे इक्वल टू रैंड लिखा, जे को प्रिंट किया, और लास्ट में रैंड अंडरस्कोर मैक्स को प्रिंट कर दिया। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, अब रन करते हैं। तो यहां पर रन करने पर हम देख रहे हैं 10 इंटीजर्स जो एकदम रैंडम लग रहे हैं वो प्रिंट हुए हैं, और उसके बाद में एक नंबर प्रिंट हुआ है जो इन 10ों से बड़ा है, 10 में से कोई भी इससे बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो फंक्शन रैंड है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, और वो नंबर 0 से ये रैंड मैक्स जो नंबर है उनके बीच का कोई भी नंबर जनरेट कर देता है, कर सकता है। ये सी में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिफाइंड होता है, और ये रैंड मैक्स है, ये इसकी वैल्यू 32767 होती है। यदि मशीन अपनी 32 बिट है, मतलब इंटीजर के रूप में यदि 16 बिट काम में ले रहा है तो ये नंबर होगा, और इंटीजर के रूप में यदि 32 बिट्स काम में ले रहा है, मतलब 64 बिट मशीन में, इसकी वैल्यू होगी 21474836647। हम एक खुद यूजर डिफाइंड फंक्शन देखें, या हम पिछला एग्जांपल देखें, उसमें फिर से हम रैंडम नंबर जनरेट करें,
तो वो सेम रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मतलब जो नंबर्स उसने पहली बार रन करने पर दिए वही दोबारा रन करने पर देगा। यदि ऐसा कर रहा है, जैसे हम देख लेते हैं एग्जांपल में, रन करते हैं ये वैल्यूज दी, फिर से रन करता हूँ कोई चेंज नहीं है। मैं स्क्रीन को थोड़ा छोटा करके दिखा देता हूँ, तीसरी बार रन करके देख रहा हूँ वो वैल्यूज, हर बार वही वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। रन किया ये वैल्यूज आई, दोबारा रन किया वही वैल्यूज दोबारा रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यूज रैंडमाइज नहीं है, और यदि ये रैंडमाइज नहीं है तो क्या किया जाए। तो यहाँ पर रैंडमाइज नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर प्रोग्राम जो है, सी प्रोग्रामिंग जो है, उसमें एक फिक्स्ड फॉर्मूले से इन वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है, और अपना जो फिक्स्ड फॉर्मूला है वो इतना अच्छा नहीं हो रहा है कि वो फॉर्मूला हमें रैंडम नंबर हर बार अलग अलग दे, क्योंकि उसमें एक इनपुट नंबर होता है जो ये अपने हिसाब से लेता है और उससे फिर उन नंबर्स को, आगे वाले नंबर्स को जनरेट करता है। यदि हम इनपुट नंबर को चेंज कर दें तो हमें चेंज नंबर मिलेंगे। चेंज करने का तरीका वो इस प्रोग्राम में दिया गया है। तो हम यहाँ एक इनपुट रीड करेंगे, एक इंटीजर रीड करेंगे और उसको सीड नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और फिर एक srand नाम का नया फंक्शन है, srand नाम का नया फंक्शन है, उसको वो सीड इनपुट के रूप में देंगे, इनपुट आर्ग्यूमेंट के रूप में। srand एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न कुछ नहीं करता, इनपुट में एक इंटीजर आर्ग्यूमेंट लेता है, बाकी प्रोग्राम्स अपना वैसा का वैसा है। तो यहाँ पर srand stdlib.h में डिफाइंड एक प्रोटोटाइप फंक्शन है जो अपने नंबर हैं उनको रेंडमाइज करता है। ये सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का फंक्शन है। जब हम srand फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो नॉर्मली तब करते हैं जब अपना प्रोग्राम डीबग हो चुका है। डीबग का मतलब प्रोग्राम में कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें एरर, गलत रिजल्ट दे रही हैं, या कुछ ऐसा जनरेट कर रही हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, कंपाइलर उनको नहीं समझ पा रहा है, कंपाइलर कंपाइल कर रहा है विदाउट एनी एरर, लेकिन आगे प्रोग्राम में ऐसी गलतियां रह गई हैं जो अपने रिजल्ट्स को कैलकुलेशन में गलती कर रही हैं, या कुछ इस तरह की गलती कर रही हैं जो हमें खुद को देखनी पड़ रही है, तो उसको हम कहते हैं डीबगिंग। तो प्रोग्राम को डीबग करने के लिए हम srand फंक्शन का यूज़ नहीं करते, क्योंकि हम बिना srand फंक्शन के प्रोग्राम को चेक करेंगे। यदि वो सेम रैंडम नंबर दे रहा है, इसका मतलब हम कुछ टेस्ट उसमें कर सकते हैं। तो srand फंक्शन को प्रोग्राम को पूरा डीबग करने के बाद में यूज करना चाहिए, जिससे हमें उन नंबर्स की रिपीटेबल, वो नंबर रिपीट हो रहे हैं जो अपने हमने पीछे पहले एग्जांपल में देखे, उसको हम टेस्ट कर सकें, और उसके बाद में हम srand फंक्शन को इंसर्ट करके प्रॉपर रैंडम नंबर्स को जनरेट कर सकें। एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। हाँ, तो ये है रैंडम नंबर जनरेशन। तो इसमें stdio.h को इंक्लूड किया, stdlib.h को इंक्लूड किया, आई जे और सीड को डिक्लेयर किया, सीड को रीड किया, srand फंक्शन में सीड को इंसर्ट किया, और बाद में रैंडम नंबर को प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करके देखें, कंपाइल सक्सेसफुली हो रहा है। रन करें, यहाँ इनपुट में जैसे हमने 10 दे दिया तो ये रैंडम नंबर्स कुछ आए हैं। स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फिर से रन किया, अब मैं नंबर 20 दे देता हूँ इनपुट में, तो रैंडम नंबर्स चेंज हो गए हैं। पिछले वाले ये नंबर्स थे, अब ये चेंज आए हैं। हाँ, यदि मैं इनपुट वेरिएबल सेम दूंगा तो सेम ही आउटपुट में नंबर्स आएंगे। सेम 20 फिर से दिया तो वही आउटपुट में नंबर आ गए।